अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम सिटीज़न पोर्टल की एक और टैक्स कंप्लेंट की रिजल्ट एपिसोड के साथ आपके पास हाजिर हुए हैं। आज एपिसोड नंबर 25 है। हम इस सीरीज़ के अंदर आपको बताते हैं कि कैसे पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ बिजनेसेस जो हैं वो कस्टमर्स के साथ भी फ्रॉड कर रहे हैं और गवर्नमेंट के साथ भी फ्रॉड कर रहे हैं। वो उनको जाली रसीदें देते हैं जो कि टैक्स कंप्लाइंट नहीं होती, और मोस्ट केसेस के अंदर वो लोगों से टैक्स भी वसूल कर रहे होते हैं और गवर्नमेंट को जमा नहीं करवा रहे होते। उनके बारे में हम कंप्लेन करते हैं पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल के ऊपर, और उसके बारे में आपको अपडेट करते हैं कि उनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई और अथॉरिटीज़ ने उनके ऊपर क्या एक्शन लिया। तो इसी सिलसिले के अंदर आज मज़ीद चार बिजनेस के बारे में बात होगी। उन चार बिजनेस के अंदर शामिल हैं, सबसे पहले बात होगी ज़ेवियन द कॉफ़ी हाउस। ये कराची बहादराबाद के अंदर वाक़ है। उसके बाद बात होगी द कॉफ़ी बीन एंड टी लीफ, ये जौहर टाउन लाहौर की ब्रांच है इनकी। उसके बाद बात होगी जानान द रेस्टोरेंट, ये मिलेनियम मॉल कराची वाली पट्टी के अंदर वाक़ है। और सबसे आखिर में बात होगी मेट्रो कैश एंड कैरी, ये इनकी स्टार गेट एयरपोर्ट कराची की ब्रांच है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ज़ेवियन द कॉफ़ी हाउस, ये बहादराबाद कराची के अंदर वाक़ है। इशू इनका यही है कि ये इनवाइस इशू कर रहे हैं जो कि SRB POS पे इंटीग्रेटेड नहीं है। तो उसने रेवेन्यू बोर्ड को यही पूछा कि क्या ये SRB POS के थ्रेशोल्ड पे नहीं आ रहा है, क्या इसको इंटीग्रेट नहीं होना है, और अगर इंटीग्रेट होना है तो अभी तक ये इंटीग्रेट क्यों नहीं हुआ है। ये इनकी इनवाइस है, इस पर SNTN नंबर ज़रूर मेंशन है, लेकिन ये SRB POS से लिंक नहीं है। 2 जून 2023 को इनकी कंप्लेंट की गई थी। 27 जून 2023 को सिंध रेवेन्यू बोर्ड का रिप्लाई में रिसीव हो चुका है। सिंध रेवेन्यू बोर्ड कह रहा है कि ये बिल्कुल SRB POS के थ्रेशोल्ड के ऊपर आता है और इसको मैंडेटरी इंटीग्रेट होना है, और ये अभी तक SRB POS के ऊपर इंटीग्रेट नहीं है, जिसकी वजह से इसको फाइनल SRB POS पे इंटीग्रेशन का शो कॉज नोटिस इशू कर दिया गया है। नेक्स्ट जो रेस्टोरेंट है हमारे पास वो है द कॉफ़ी बीन एंड टी लीफ, ये जौहर टाउन लाहौर की ब्रांच है। इनका इशू ये है कि ये इनवाइस इशू कर रहे हैं जो कि PREIMS से इंटीग्रेटेड नहीं है। तो यही हमने पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को कंप्लेन करके पूछा कि क्या ये PREIMS के थ्रेशोल्ड के ऊपर नहीं आता है, या ये इंटीग्रेट हो चुका है और ये आपके साथ फ्रॉड कर रहा है जाली इनवाइसेस देके। ये इनकी इनवाइस है, किसी किस्म का कोई PREIMS से इसका ताल्लुक नहीं है। 2 जून 2023 को इनकी कंप्लेन की गई थी। 26 जून 2023 को PRA का रिप्लाई में रिसीव हो चुका है। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी उस रिप्लाई के अंदर कह रही है कि बिल्कुल ये PREIMS के ऊपर इंटीग्रेटेड है, और इसने PREIMS को बाईपास करके आपको जाली रसीद दी है जो कि PREIMS से इंटीग्रेटेड नहीं है, इसलिए इसको इस फ्रॉड के ऊपर 1,00,000 रुपये का पेनल्टी का शो कॉज नोटिस इशू कर दिया गया है, जिसकी कार्रवाई पूरी होने के बाद इस पर पेनल्टी जो है वो फाइनलाइज करके इससे रिकवर की जाएगी। नेक्स्ट जो रेस्टोरेंट हमारे पास वो है जानान रेस्टोरेंट, ये कराची के अंदर वाक़ है, ये मिलीनियम मॉल वाली पट्टी के अंदर वाक़ है। इनका इशू ये है कि इनवाइस इशू कर रहे हैं सादा मैनुअल पेपर के ऊपर, जिसके ऊपर कोई SNTN नंबर नहीं है, ना ही वो SRB POS से लिंक है। तो यही इसने रेवेन्यू बोर्ड को पूछा कि क्या इसको आपके पास रजिस्टर्ड नहीं होना है। तो ये इनकी इनवाइस है, किसी किस्म का कोई टैक्स का पर्टिकुलर इसके ऊपर नहीं है, ना ही कोई SNTN नंबर है, ना ही ये SRB POS से इंटीग्रेटेड है। 24 मई 2023 को इनकी कंप्लेन की गई थी। 17 जून 2023 को सिंध रेवेन्यू बोर्ड का रिप्लाई में रिसीव हो चुका है। सिंध रेवेन्यू बोर्ड कह रहा है कि ये रेस्टोरेंट हमारे पास रजिस्टर ही नहीं है और इसको बिल्कुल हमारे साथ रजिस्टर होना है, तो इसको इसी वजह से शो कॉज नोटिस इशू कर दिया गया है, जिसके बाद इसको मैंडेटरी रजिस्टर भी किया जाएगा SRB के साथ, और इन पर पेनल्टीज़ भी इम्पोज की जाएंगी कि ये अभी तक हमारे पास रजिस्टर ही नहीं है। ये शो कॉज नोटिस है जो इनको इशू हुआ है मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन का, और इसकी प्रोसीडिंग फाइनल होने के बाद इन पर पेनल्टीज़ भी इम्पोज की जाएंगी। नेक्स्ट जो कंप्लेन हमारे पास वो है मेट्रो कैश एंड कैरी, ये बहुत मशहूर सुपर स्टोर की चेन है। ये इसकी कराची मेट्रो स्टार गेट की ब्रांच है। इनका इशू ये है कि इनका जो ईटरीज़ का सेक्शन है, अब वो सुपर स्टोर के अंदर नहीं आता। अगर कोई वो खाने पीने की रेडीमेड चीज़ें दे रहे हैं जो कि रेस्टोरेंट स्टफ के अंदर आ जाती हैं, तो वो उसको FBR गवर्न नहीं करता, उसको फिर वो रेस्टोरेंट के तौर पर देखा जाता है जो प्रोविंशियल रेवेन्यू अथॉरिटीज़ के अंदर आता है। तो इनकी ईटरीज सेक्शन की इनवाइस है जो कि SRB POS से लिंक नहीं है। तो यही सिंध रेवेन्यू बोर्ड को हमने पूछा कि क्या ये आपके अंडर नहीं आ रहा है, क्योंकि ये 13% सेल टैक्स चार्ज कर रहा है इसके ऊपर, जो कि आपका डोमेन है, खाने पीने की चीज़ है, तो ये SRB POS के थ्रेशोल्ड पे अगर आ रहा है तो ये अभी तक इंटीग्रेट क्यों नहीं हुआ है। ये आप देख सकते हैं, ये इनकी इनवाइस है, ये पिज़्ज़ा की कोई स्लाइस उन्होंने दिया है, ये आप देख सकते हैं, इस पर 13% सेल टैक्स चार्ज किया है जो कि सिंध रेवेन्यू बोर्ड का डोमेन है, जो कि FBR का डोमेन नहीं है द सुपर स्टोर। तो ये सिंध रेवेन्यू बोर्ड के रूल्स अप्लाई होंगे, तो इसलिए इसको SRB POS के ऊपर इंटीग्रेट होना है। 2 जून 2023 को इनकी कंप्लेन की गई थी। 28 जून 2023 को SRB का रिप्लाई में रिसीव हो चुका है। सिंध रेवेन्यू बोर्ड कह रहा है कि मेट्रो कैश एंड कैरी का जो रेस्टोरेंट का आम है वो हमारे पास इंटीग्रेट नहीं है SRB POS के ऊपर, और उसको SRB POS पे इंटीग्रेट होना है, जिसकी वजह से उनको शो कॉज नोटिस इशू कर दिया गया है मैंडेटरी SRB POS पे इंटीग्रेशन का। व्यूवर्स, ये थी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। अगर अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि आपको इस तरह की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन फौरन मिलते रहें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।